गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी विचार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा के पीछे उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी जी की तस्वीरों का क्या हश्र कर रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये कालीबाड़ी चौक में मौजूद है और देख सकते हैं कि सड़कों पे ये गांधी जी के पंपलेट पड़े हुए हैं। फिलहाल इन्हें उठाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीरों को एक एक करके उठा रहे हैं। गौरी जी, कैसा देखते हैं इसको, क्योंकि कांग्रेस तो गांधी विचार यात्रा निकाल रही, कहती है गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ता इस तरह खुलेआम गांधी जी की तस्वीरों को सड़कों पे फेंक रहे हैं। गांधी जी के विचारों की हत्या लगातार कांग्रेस पार्टी पूर्व में करते आ रही थी, और आज कहीं ना कहीं ये गांधी विचार के नाम से यात्रा निकालने वाले ढोंगियों ने फिर से एक बार गांधी जी के विचारों की हत्या पर कर दी है। बड़े शर्म की बात है कि जहां पर इस गांधी विचार यात्रा का मंच लगाया गया वो शराब भट्टी के बाजू में है। आज गांधी जी अगर जीवित होते तो निश्चित तौर पर उन्हें काफी दुख होता, और इस तरीके से गांधी जी का अपमान छत्तीसगढ़ की राजधानी में, ये कहां से गांधीवादी होगा? ये नकली गांधीवादी लोग हैं जिन्होंने आज फिर गांधी जी को आज मार डाला। आज निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं पूरे सड़क में गांधी जी यहां पर फैले हुए हैं, इस तरीके से उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये कैसा गांधीवाद है? भूपेश जी को आज बताना चाहिए इस गांधी जी के विचार को लेकर जनता तक कैसे जाएंगे। ये कांग्रेस 150वीं जयंती मना रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ता खुलेआम ऐसी तस्वीरों को सड़कों में फेंक रहे हैं। ये तो खुलेआम जो है जैसे राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान है, वैसे जो है गांधी जी का अपमान है। गांधी जी तो राष्ट्रपिता हैं, देश के साथ विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है उनको। ये सीधा सीधा राजद्रोह का मामला है, और गांधी जी के विचारों पर चलने वाले नकली गांधियों की पोल खुल चुकी है। जिस गांधी जी के नाम से प्रदेश में राजनीति हो रही है ये उसका सबसे बड़ा नमूना है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी गांधी जी को सम्मान नहीं किया है, गांधी जी के नाम से राजनीति की है, गांधी जी को कभी इज्जत नहीं दिया है। आज उसी की परिणति उनके कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर इस तरीके का कृत्य करते पाए। बीजेपी इस मामले को लेकर जो है जाएगी थाने, निश्चित तौर पर इस मामले के लेकर उच्च स्तरीय शिकायत की जाएगी। पार्टी के सभी नेताओं को बताया जाएगा कि इस तरीके से गांधी जी का अपमान यहाँ पर हो रहा है। ये प्रदेश में, मैं बोलता हूँ देश में, सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात आज राजधानी में हो रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो जगह है ये पुलिस लाइन के आसपास है, और यहाँ पर पुलिस वाले तमाम निकल रहे हैं। पीछे भी देख सकते हैं कि जो वाहन चल रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, वो गांधी जी को पैर से रौनते हुए चल रहे हैं, वाहन जो है रौनते हुए चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो शर्मनाक है, बहुत ही दुखद घटना है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद घटना छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो सकती। ये नकली गांधीवादियों का जो चोला है आज कहीं ना कहीं उतर चुका है, और बहुत ही दुख की बात है कि गांधी जी को इस तरीके से सड़क में अपमानित किया जा रहा है, और सरकार यहाँ पर गांधी विचार यात्रा निकाल रही है। ये कैसा विचार है? अगर इस तरीके का विचार यात्रा निकालना है तो जनता को किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी जन जन में वास करते हैं, उनके नाम से राजनीति करने वालों का यह विभत्स चेहरा आज कहीं ना कहीं जनता के सामने आ चुका है। ये नकली गांधीवादियों को प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। तो बिल्कुल ये है बीजेपी के प्रवक्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से गांधी जी की तस्वीरें यहाँ पर सड़कों में फैली हुई है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्हें रौनते हुए निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि वाहन जो है गांधी जी की तस्वीरों के ऊपर से निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं गांधी विचार यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल गांधी जी के विचारों को जन जन तक फैलाना चाह रही, लेकिन उनके कार्यकर्ता ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये अगर तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देख रहे होंगे तो शायद वो ही खुद इन तस्वीरों को देखने के बाद शर्मसार हो जाएंगे कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वो ख्याति छत्तीसगढ़ के अलावा देश और विदेशों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों और आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके आदर्शों पर चलने के बातों को छोड़कर उनकी तस्वीरों को किस तरह से खुलेआम सड़कों पर फेंक रहे हैं। जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24 रायपुर।